देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रताप बाग में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म संयुक्त रूप से अदा की। इस मौके पर स्कूली बच्चों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। वहीं पंजाब पुलिस के जवानों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी गई। इस दौरान श्री देवी तलाब मंदिर चैरिटेबल अस्पताल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य राजेंद्र गुप्ता, संजय कोछड़, विजय चौहान, राजकुमार, चेयरमैन पवन तलवाड़, सचिव योगेश कोहली, कोषाध्यक्ष सुधीर शारदा, वरिंदर जैरथ, राकेश थापर, विजय चौहान, राजकुमार, अविनाश सहगल, विनोद शर्मा, यशपाल शर्मा, विजय शारदा, मदन लाल, शक्ति कोहली, सुभाष शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिंदर की रिपोर्ट। फिर सोसाइटी बड़ी धूमधाम से मनाने जा रही है क्योंकि देश धर्म और कर्म के रास्ते पर सभी हमारे देशवासी चलकर हिंदुस्तान को आकाश की बुलंदियों पर ले जाने के लिए आज बच्चा बच्चा अपने घरों में तिरंगा फहला रहा है और इस प्रताप बाग में हमारे प्रधान राजेंद्र गुप्ता जी, योगेश कोहली जी, राजकुमार जी, जैन साहब जी और विक्रम खोसला जी, ये हमारे बनारसी दास जी के साहबजादे हैं और चौहान साहब जी और भी सभी मिलकर के आज बड़ी खुशी के साथ ये जो झंडे की रस्म अदा करने के लिए हमारे बीच में कमल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी और देवी तला चैरिटी टेबल की सारी टीम, डॉक्टर साहबान, नर्सें सभी यहां पर पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में हमारे श्री अवतार हेनरी जी, बाबा हेनरी जी और दैनिक सवेरा, ये आप देख ही रहे हैं दैनिक सवेरा माध्यम के द्वारा आज सारे हिंदुस्तान में ये जो खबरें पहुंच रही हैं, दैनिक सवेरा के संपादक श्री शीतल विज जी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं वेलफेयर सोसाइटी और प्रताप बाग के सभी पदाधिकारियों की तरफ से और जो यहाँ पर योगा करने आते हैं, सैर करने आते हैं, सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी सज्जन यहाँ पर आते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये राजेंद्र गुप्ता, योगेश कोहली, सतपाल गुप्ता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी का बहुत बहुत आभार भाग करता हूँ। आज के दिन मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत गाओ और प्रभु का गुणगान करो। भारत माता की जय। सुभाषी भैणा ते भरावां दा बहुत बहुत शुक्रगुजारा जो अपना कीमती समा कढ के इस प्रताप बाग पहुंचे। अज 15 अगस्त आजादी दिवस है, असीं बड़ी धूमधाम नाल हर तरह मना रहे, जिस विच साडे हरमन प्यारे श्री अवतार हेनरी जी, पूर्व मंत्री पंजाब, बाबा ते नाल साडे श्री शीतल विज जी, देवी तला मंदिर के प्रधान ते अपने दैनिक सवेरा के बालक इत्थे पहुँच रहे हैं क्योंकि झंडे की रस्म अदा कर रही है। मैं सारे इत्थे साडे पार्क के सब तो वड्डी खासियत आ, पार्क इन्ना सुंदर बनया है, इत्थे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इत्थे इन्ने वधिया लगे ने बूटे साडे कोल जिहड़े शूगर के रोगों को भी ठीक करते हैं, अखां के रोगों को भी ठीक करते हैं। साडे डॉक्टर साहब सतपाल जी भी जिहदा बहुत वड्डा योगदान है इस पार्क में, ते मैं सारिआं नूं इस आजादी दिवस ते बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ।
देशवासियों नूं 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। अज ना केवल पंजाब दे विच हिंदुस्तान दे विच दुनिया के हर कोने दे विच बड़े ही हर्ष उल्लास प्रेम ते बड़े ही गौरव दे नाल हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस दुनिया मना रही है। अज ये जिहड़ा गौरवशाली दिहाड़ा हैगा, सब तो पहला तो असी वो महान शहीदों नू नतमस्तक होंगे हैं जिन्हां की बदौलत असी अज ये आज़ादी का खुशहाल दिहाड़ा मना रहे हैं। ना केवल वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने फांसी नू चुम के भारत माता दे लई अपनी जान गवाई, ना केवल वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने काला पानी कटिया, ना केवल वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने तशद्दुद सहिया, पर उन्हां दे नाल नाल उन्हां दे परिवार उन्हां दे बच्चे अज उन्हां दे बदौलत जिहड़ा असी इह निघा ईमान सानू मिलदा है कि असी उस हिंदुस्तान दे विच अज वो बछिंदे हैं जिहड़े अज दुनिया दे फिर तो उस पैड़ा दे उत्ते असी चल रहे हैं कि सोने की चिड़िया बनूगी। 22 साल हो गए लगातार तुसी ये दिहाड़ा भावें 26 जनवरी होवे उन्हूं हमेशा बड़े ही हर्ष उल्लास दे नाल मनाने हो। एंड अगेन मैं अपने चाचा जी शीतल विज जी का गुलचन पंडित जी का तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जय हिंद जय भारत। झंडे की रसम जड़ी साढ़े बहुत ही अजीज और साढ़े सत्कारयोग साढ़े वड्डे भरा श्री अवतार हैनरी जी के सपुत्र जिन्हों के कर कमलाना इस झंडे का रसम अदा की गई है। मैं इन्होंने और इन्होंने वालों सारे प्रताप वेलफेयर सोसाइटी के मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देना और मैं मैंबरों एक आज़ादी तो अच सारे इंटरनेशनली मनाई जा रही है। प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की जी आज़ादी है 22 साल बाद इन्हों का भी एक 22 साल पहला दिहाड़ा से जो इन्होंने प्रताप बाग श्री अवतार हैनरी जी ने अपने सहयोग और अपनी मरदानगी खड़े हो के मैदान के आज़ादी दवाई सी। प्रताप बाग इन्हों हैंड ओवर किया और इन्होंने भी उन्होंने सहयोग न जब तक भी वो मंत्री रहे ने और अज भी बाबा जी साढ़े MLA ने उन्होंने भी तन मन धन न इस प्रताप बाग का जरा अच्छी स्वरूप देख रहे हो उदे विच इस परिवार का बहुत वड्डा योगदान। मैं इन्होंने एक बार बधाई भी दिना इन्हों का धन्यवाद भी करता है कि मैं दिन याद है जिस दिन प्रताप बाग इतने उजड़िया पिया और अच्छे प्रताप बाग हरा भरा होया पिछे श्री अवतार हैनरी जी का उन्होंने परिवार का बहुत वड्डा हाथ है। और मैं महाराणी अगे अरदास करदा कि उन्होंने चढ़ती कला च रखी उन्होंने तंदुरुस्ती दई और बाबा जी ने भी इस तरह चढ़ती कला च रखे और सारे परिवार को महाराणी अपना मेहर भरिया हाथ इन्होंने सिर पर रखे। जय माता दी जय माता।